जगह जीनियस की एक टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी, दिल की लड़ाई दिमाग से। बस यही कहानी है, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। इतनी सी कहानी है, दिल के लिए कोई लड़ता है दिमाग से। मेरे लिए सामने सिर्फ एक्टर था जो एक्टिंग कर रहा है, कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरा बेटा है उस क्षण में, उस लम्हे में। और माय एक्सपीरियंस विद हिम इज़ रियली ग्रेट। वो क्या था, बचपन में ही पूछ के पांव जैसे पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन में ही उसमें परफॉर्मेंस जीते का जो किरदार उसने किया, उससे समझ आया कि बचपन में ही उसमें एक्टिंग के गुण हैं। लोग बहुत प्रेशर बना देते हैं, लोग कहते हैं भाई इसका बेटा उसका बेटा, लेकिन मैं शायद किसी प्रेशर में नहीं हूँ। मैं इसलिए प्रेशर में नहीं हूँ कि मैं फिल्म सोच रहा हूँ, मैं बेटा है, कोई भी एक्टर हो सकता था, उत्कर्ष के बजाय कोई भी एक्टर होता। तो जितना एज ए डायरेक्टर मुझ पर प्रेशर होना चाहिए था किसी भी फिल्म पे, उतना ही प्रेशर है। ऐसा होता है, बहुत सारी फिल्में होती हैं जैसे मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, बदल, इनका सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल है। सीक्वल हिट फिल्मों का बनता है, लेकिन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स का सीक्वल नहीं बन सकता, बहुत डिफिकल्ट है। शोले का कैसे सीक्वल बनेगा, गदर का कैसे बना? जिस दिन गदर जैसी कहानी मिल गई ज़रूर बना होगा, लेकिन सिर्फ गदर एक ऐसी पिक्चर है जब आज से 100 साल के बाद 2100 में जब पहली 2000 की फिल्म का जिक्र होगा तो गदर का जिक्र होगा कि 2001 में रिलीज हुई थी। ऐसी फिल्म का सीक्वल कैसे बनेगा? अनटिल अनलेस कि मुझे गदर जैसी कहानी नहीं मिलेगी, मैं सीक्वल नहीं बनाऊँगा। बचपन से देखते आ रहा हूँ, गदर के समय से देखते आ रहा हूँ, ये जब भी सेट पे आते थे हमेशा कैरेक्टर में रहते। जो एक सच में कलाकार होता है ना, वो न्यूज़ मीडिया में छपाता नहीं है कि मैंने ये प्रिपेयर किया, मैंने वो किया, ये बस वो कैरेक्टर थे, चाहे कोई भी फिल्म हो, सिंह साहब हो, गदर हो, अपने हो, ही इज़ ऑलवेज द कैरेक्टर एंड ही इज़ सो इंटेलिजेंट। वो इतने सवाल पूछते थे पापा से कि इनके आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे, और वही बात मैंने इनसे सीखी।